Yo, what's happening guys? My name is Loggy और guys आज हम फिर से Roblox वाली दुनिया में और guys आज मैं plane के अंदर इसलिए सफर कर रहा हूँ क्योंकि guys आज मैं जा रहा हूँ Roblox की एक नई city में और guys मैं नई city में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग subscribe का बटन नहीं दबा रहे हैं यार, तो इसलिए मैंने सारा बोरी बिस्तर यहाँ पर बांध के मैं दुबई सिटी से निकल गया और guys पिछले 3 घंटे से मैं इस प्लेन के ऊपर बैठा हूँ। और अरे क्या बात है भाई, मेरा बर्गर तो आ चुका है। तो भाई साहब पहले मैं यहाँ पर स्टाइल में बैठकर अपना बर्गर खाऊंगा, तो खाओ। वैसे guys बर्गर तो बड़ा मस्त है यार, और उसके बाद खाओ अपनी आइसक्रीम खाओ। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे खा रहा हूँ क्योंकि मेरे मुंह के ऊपर तो मास्क लगा हुआ है। और आई थिंक गाइस सिर्फ 10 मिनट में मेरा प्लेन लैंड होने वाला, तो एक काम करता भाई कॉकपिट भाई यहाँ पर पायलट कहाँ पे? ओ अच्छा, जहाज ऑटो पायलट पे लगा है। और आई थिंक गाइस मेरा जहाज एकदम से लैंड हो चुका है, तो चलो बाहर चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक काम करता हूँ, अपना मैं बैकपैक चेक कर लूं। तो मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, मेरी आईफोन भी मेरे पास है, और क्या और यहाँ पर तो बंदे भी है। हेलो कैसे हो भाई? और अभी मैं अपनी निकालूंगा आईफोन और अभी मैं चपाती भाई को फोन करता हूँ। हेलो, और भाई साहब यहाँ पर तो सिग्नल नहीं आ रहा है भाई, तो एक काम करता हूँ मैं पहले अपनी चेकआउट यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। और अभी अपना बैग रखो यहाँ पर और अभी मैं मेटल डिटेक्टर के अंदर से जाऊंगा। और क्या बात है भाई, मेरे पास है नो वेपन्स, नाइस। और अभी यहाँ से बैग अपना उठाओ और निकलो यहाँ से भाई। और बोरे भाई साहब, मैंने गाइस अपनी प्राइवेट गाड़ी भी यहाँ पर हायर करके रखी और मेरे पास इसका नंबर प्लेट भी है। तो अभी मैं अपनी गाड़ी के ऊपर ऐसे स्पॉइलर के ऊपर बैठूंगा और आई थिंक अभी मेरे पास सिग्नल आ चुका है। सिग्नल आ चुका है। हेलो चपाती भाई, हेलो, फोन मेरी जा भी रही है कि नहीं भाई? हेलो भाई साहब, क्या बड़ी सिटी है भाई, इतनी बड़ी सिटी तो मैंने आज तक नहीं देखी। अगर मैं स्क्रोल आउट करके देखूं तो यो हो, क्या बड़ी सिटी। और अभी गाइस मुझे मेरे घर के पास भी जाना है, लेकिन गाइस घर के पास जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ पहले मैं थोड़ा सिटी का टूर कर लूँ। और मैंने गाइस उनको बोला था कि मुझे एक फास्ट वाली गाड़ी दो भाई, इतनी स्लो गाड़ी कैसे? और अरे बाप रे भाई, अच्छा हुआ कि फास्ट नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी बना हुआ है भाई एकदम एयरपोर्ट के बाहर। और गाइस पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने है हॉस्पिटल और उसके सामने बना है फायर स्टेशन, और गाइस फायर स्टेशन के बिल्कुल सामने ऑटो शॉप भी बनी हुई। तो आई थिंक ये वाली गाइस शॉप है बेनीज की। बेनीज कहाँ पर है? हेलो बेनीज। ओके गाइस मुझे लगता है यहाँ पर रात हो चुकी है इसलिए बंद है। और गाइस जब मैं यहाँ से गुजरा तो मैंने सामने देखी एक आइसक्रीम वाली शॉप, तो मुझे वहाँ भी जाना है। और यो ये बेनीज की शॉप के अंदर तो बड़ी नई वाली बाइक भी पड़ी हुई है, मैं इसको चला सकता हूँ क्या अगर मैं इसके ऊपर बैठूँ? तो चलाओ। अच्छा मेरे पास चाबियां ही नहीं है इसकी। और मैं बोल रहा था कि पुलिस स्टेशन के सामने मैंने यहाँ पर एक आइसक्रीम की शॉप भी देखी, ये रही, और उसके सामने आर्केड और उसके सामने ग्रोसरी शॉप भी बनी हुई है। तो अगर मैं आइसक्रीम शॉप के अंदर जाऊँ तो हेलो यहाँ पर कोई है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और मैं यहाँ पर जॉब भी कर सकता हूँ। और अगर फ्लेवर्स की ओर देखो तो यहाँ पर चॉकलेट वनीला बर्थडे केक है, ये कौन सा फ्लेवर है? मुझे बर्थडे केक वाला चाहिए। कहाँ पर है? ये रहा, ये अच्छा ये तो मेरे पास पहले से है। और यहाँ पर आ गए तो एक काम करते हैं मैं पुलिस स्टेशन के अंदर भी जाऊंगा। और भाई साहब एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पर नहीं चलाते हैं और मैं यहाँ पर जॉब भी कर सकता हूँ। यो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में रेकमेंड कीजिए कि मैं ब्रूक हेवन में कौन सी जॉब करूँ। हेलो सर जी, हेलो कैसे हो? चलो मैं जाता हूँ यहाँ से, मैं अपने घर जाता हूँ। और भाई साहब ये किसका घर है? ओ माई गॉड यार, एक अरे स्विमिंग पूल भी बना हुआ। तो एक काम करता भाई, अरे बाप रे भाई मेरा पैड गीला हो गया भाई। हे मैंने तुझे लीड से बांध के रखा था, तेरी लीड कहाँ गई है? और पहले एक काम करता है यहाँ पर आके मैं थोड़ा गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी डाल देता। तो पेट्रोल यहाँ पर कितने का है मुझे पता भी नहीं है, तो इसके ऊपर क्लिक करो। और अरे क्या हाई फाई पेट्रोल है भाई, मैंने एक बटन दबाया और ये खुद डाल रहा है पेट्रोल, नाइस। और सामने कार वॉश भी है, तो एक काम करता हूँ मैं अपनी गाड़ी भी एकदम से क्लीन कर दूंगा यहाँ पर। A few moments later. और अभी चलते हैं कार वॉश के अंदर, ये मुझसे कितने पैसे लेगा? ओ आई थिंक शुरू हो चुका है। वैसे गाइस मुझे इस मशीन के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, वो इसलिए क्योंकि गाइस मुझे डर है कि इस गाड़ी के ऊपर स्क्रैच आ जाएगा। और अरे कार वॉश तो खत्म हो चुका है और गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं है। तो ये रही क्लोथ्स की शॉप, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा कपड़े चेंज, अरे मेरे कपड़े चेंज हो रहे हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो रैंडमली सिलेक्ट हो रहे हैं। अरे ये वाली शर्ट मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है यार, क्या शर्ट है ये देखो भाई, मेरे टैटू भी लग गया, एकदम मस्त लग रहा है ये वाला। और यहाँ पर कोने के ऊपर बना है डे केयर और उसके सामने बना है यहाँ पर ब्रूक हेवन का स्कूल। और गाइस अभी सिटी के टूर को छोड़ते हैं, मुझे अपना घर यहाँ पर ढूंढना है। तो आई थिंक गाइस पहले मुझे ढूंढनी होगी यहाँ पर एक जमीन। A few inches later. और ये जमीन एकदम से परफेक्ट है यार, एकदम से मेरे पास सिटी का व्यू भी है, सामने स्कूल भी है, और आई थिंक ये जमीन एकदम से परफेक्ट होगी। तो अगर मैं इस जमीन के ऊपर क्लिक करूँ तो हाँ भाई मुझे यही वाली जमीन चाहिए, तो इसके ऊपर क्लिक करो। और भाई साहब मेरे पास कितने सारे ऑप्शन है घर के, तो मैं कौन सा वाला लूँ एक काम करते हैं गाइस, ऐसा करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं कौन सा घर मुझे यहाँ पर लेना चाहिए। तो बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे ये वाला पसंद आया भाई, जिसके ऊपर टिक लगे। तो अगर मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूँ तो यो और मेरा घर बन रहा है, नाइस। 2 hours later. Come on, बन जा यार, कितना टाइम लग रहा है, और बन चुका है, नाइस। तो अभी गाइस मैं घर के अंदर चलता हूँ और भाई साहब क्या मॉडर्न मैंशन यहाँ पर बना के रखा है। और नाइस स्वागत के लिए मेरे पास यहाँ पर फल भी पड़े हैं, तो इसको भी खाओ। और भाई साहब इस सिटी के कितने मीठे एप्पल्स हैं, नाइस। और मेरा टीवी के साइज देखो, यो ये कितने LCD का टीवी है। वैसे भी यार ये वाला बहुत मस्त लग रहा है। और ये क्या लिखा है?
ई प्रेस टू रेस्ट। अरे यो क्या स्वैग के साथ मैं बैठी और ये मेरा पेट अबे सोफे के अंदर क्या घुस गया भाई, बाहर निकलो, वो नया लिया था मैंने। तो गाइस ये रही मेरी किचन, एकदम से मस्त लग रही है। तो ये रहा मेरा सिंक और ये रहा मेरे पास कितने सारे कैबिनेट है, 1 2 3 4 5 6 नाइस। और बीच में लगा है एकदम से खतरनाक वाला माइक्रोवेव और यहाँ पर छोटा सा टेबल भी लगा हुआ एकदम से खिड़की के पास। और गाइस ये रही मेरी सीट और ये रही चपाती भाई की सीट, तो ये भी एकदम से मस्त लग रहा है। और अगर मैं इस डोर के पास जाऊँ तो यहाँ पर क्या रहा है, अरे यहाँ पर तो शावर रूम है और इस तरफ एकदम से स्टोरेज रूम बना हुआ है। अरे यो यहाँ पर तो सीक्रेट बेडरूम बना हुआ है, ये कितना खतरनाक लग रहा है। यहाँ पर छोटा सा एक्वेरियम भी बना है और यहाँ पर भी छोटा सा टेबल बना हुआ है यो। और अगर मैं ऊपर जाके देखूं तो ये क्या लाइट स्विच, तो अरे बाप रे यहाँ पर तो बहुत अंधेरा हो गया। और यो हो, क्या खतरनाक डबल बंक बेड है भाई, मैंने ऐसे बेड आज तक नहीं देखे अपनी लाइफ में। और गाइस बेड के पीछे मेरा पड़ा गेमिंग सेटअप, तो अगर मैं ई को दबाऊं तो तेरी भाई ये विंडो स्क्रीन कहाँ से आ गई हुई भाई, मेरा पीसी ऑन हो गया, अरे ये कहाँ से आ गया, इसको ऑफ करो। और अगर मैं इस रूम के पास जाऊं तो यहाँ पर एकदम से डबल मास्टर बेडरूम यहाँ पर बना हुआ है यो। अरे ये क्या है, अरे ओह माय गॉड, सेफ के अंदर पैसे पड़े हैं, चेक लो भाई इसको, चेक लो। और अभी इसको बंद करते हैं, ये बंद कैसे होता है, बंद कर दे मेरे सेफ को, बंद कर दे। आई थिंक अगर मैं इससे दूर चला जाऊं तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट रूम में आए तो यहाँ पर भी एकदम से खतरनाक शावर बना हुआ है और सामने मेरे पास एकदम से पुलिस स्टेशन का व्यू भी है, तो मुझे यहाँ पर डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। और फाइनली आता है मेरा बैक गार्डन, तो आते ही यहाँ पर पड़ा है जकूजी, अगर मैं इसको ऑन करूँ तो यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन है। अगर मैं लाल को क्लिक करूँ तो यहाँ पर लाल लाइट्स आएंगी, पर्पल को क्लिक करूँ तो पर्पल हो जाएगा। यो गाइस एक सब्सक्राइब बनता है इस जकूजी के लिए। और अगर यहाँ पे आए तो ये क्या लिखा है, ग्रिल मास्टर। अरे भाई साहब यहाँ पर तो ग्रिल भी पड़ा, तो अगर मैं इसको ऑन करूँ तो एक काम करता है, यहाँ पर रात भी हो चुकी है और मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, तो गाइस मैं यहाँ पर बनाऊंगा बर्गर। तो बर्गर को रखो इसके ऊपर और ये ऑन हो गया, अरे यहाँ पर बर्गर बन रहा है नाइस। तो भाई एक काम करते हैं गाइस, जब तक ये बन रहा है मैं आपको थोड़ा सा और घर भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अगर मैं टीवी को ऑन करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्रूकहेवन टीवी। अरे कौन सा चैनल यहाँ पर आ रहा है, ये क्या आ गया भाई, ये कौन सी बिल्ली आ गई टीवी के ऊपर। और इस डोर के पीछे क्या है, अरे ये क्या है, गैराज। अरे यहाँ पर गैराज भी आता है। तो गाइस ये ऊपर मुझे घर के ऑप्शन भी देकर रखे हैं, और अगर मैं गैराज के ऊपर क्लिक करूँ तो यो ये तो खुल भी रहा है। और अभी रात का टाइम भी हो चुका है, तो एक काम करता हूँ मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर सेफली पार्क कर देता हूँ। ये क्या, ये कौन सी मशीन है, अरे आई थिंक ये वॉशर मशीन है, नाइस क्या बात है। तो वैसे गाइस ओवरऑल घर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे इसका रंग थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये जो आप रंग देख रहे हो ना दीवार का, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आई थिंक मैं दीवार का रंग चेंज कर सकता हूं। तो ये चेंज क्या हो रहा है, आई थिंक ये बाहर से चेंज हो रहा है। हेलो, अरे पुलिस वाले आ गए हो। हां भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मैंने नया, मैं अभी इस सिटी के अंदर आया हूं। एक काम करता हूं मैं अपने घर के अंदर चला जाता हूं, यहां पर बैठ जाता हूं, मैं सो जाता हूं। आई थिंक वो मुझे बोल रही है कि रात बहुत हो चुकी है तो तू सो जा यहां पर। तो मैं यहां पर कौन सा कलर लूं, आई थिंक रेड वाला बहुत अच्छा लगेगा, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो अरे भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो गया। तो एक काम करता हूं मैं इसको फिर से चेंज कर देता हूं, अरे ये वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, ये लाइम ग्रीन वाला तो एकदम से मस्त। और मेरे पास और कौन-कौन से ऑप्शंस है, कैमरा का ऑप्शन, तो मैं कहीं से भी अपने घर के ऊपर नजर रख सकता हूं। ये है मेरे घर के अंदर कौन घुस, अच्छा मैं हूं। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो अरे मैं यहां पर विंडोज भी हाइड कर सकता हूं, नाइस। तो आई थिंक इससे विंडोज क्लोज हो जाती है, और अगर मैं फिर से क्लिक करूं तो विंडोज ओपन। तो गाइस ओवरऑल मुझे ये घर बहुत ही ज्यादा मस्त लगा, और इसकी सिक्योरिटी भी भाई साहब बहुत ही ज्यादा हाई फाई है। और गाइस अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।